Hi guys and welcome to my new vlog. तो आज तीज है guys, so happy तीज to all of you. तो आज मैं तीज celebrate कर रही हूँ, मेरा fast है but मैं fasting कुछ खा पी के ही करती हूँ. Normally लोग निराजल व्रत रखते हैं, मेरी जो भाभी हैं वो भी निराजल व्रत रख रही हैं. हाँ but मैं कुछ खा पी के रख रही हूँ बिकॉज मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो अगर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये रही बेबो, बेबो देखो, बेबो देखो इधर से हाय. बेबो भी नहाई नहीं है, मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर ली है, सुबह मैंने एक कप चाय लिया था, अभी मैं दोबारा एक कप चाय पीने जा रही हूँ. और थोड़ी सी मुझे टेंशन तो है क्योंकि फास्टिंग करने से हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बट आई एम ट्राइंग कि मुझे हेडेक ना हो, सारे मेजर्स और प्रिकॉशंस लेके चल रही हूँ मैं. सो अभी मैं आपको अपनी कुर्ती दिखाऊंगी जो मैंने पहनी है, वो मैंने मीशो से ली है, बहुत ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, कॉटन की, आई एम जस्ट लविंग इट. और बहुत रिलीफ मिल रहा है इस कॉटन की कुर्ती में, इस गर्मी के टाइम में कॉटन की कुर्ती पहनना बहुत अच्छा होता है. तो अभी मेरी मेड आई है, कुक आई है खाना बनाने के लिए, अभी वो खाना बना के जाएगी, तो मेरे व्रत का सारा सामान मैं और मम्मी जी मिलके बनाएंगे मेरे लिए, जिसमें कि मैं आलू बनाऊंगी जो गोल मिर्च सेंधा नमक टमाटर जीरा धनिया पत्ता के साथ बनता है, बहुत टेस्टी लगता है आलू. और बनेंगे साबूदाना के कटलेट, साबूदाना मैंने कल रात में ही भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक करना रहता है इसलिए, तो कटलेट बनेंगे. और शाम को हम लोग को जाना है मंदिर पूजा करने के लिए, कॉलोनी में ही एक मंदिर है, वहाँ हम लोग सारी कॉलोनी की लेडीज़ लोग इकट्ठा हो रही हैं जो भी तीज कर रही हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं. और यहाँ तो शाम का पूरा कोशिश करूँगी ब्लॉग करने के लिए, मम्मी जी भी जाएंगी, बुआ भी जाएंगी, सब कोई सबके साथ में जाएगा, कोशिश करूँगी कि पूरा मैं ब्लॉग कर सकूँ आप लोगों के लिए. और जो भी आज मैं इंटायर डे में खाऊँगी वो भी मैं कंटिन्यूस ब्लॉग करती रहूँगी आप लोगों के लिए, कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ. अभी मैंने सिर्फ एक कप चाय ली है और अपनी माइग्रेन की पहली दवा ली है जो कि मुझे 9 बजे लेनी रहती है, अब मैं अपनी दूसरी दवा लेने जा रही हूँ, दूसरी दवा मुझे 2 बजे लेनी रहती है, अभी पहली दवा ले ली है, अब मैं जा रही हूँ एक कप और चाय पीने, उसके बाद मैं चलूँगी. ये देखिए मेरी मेहंदी गाय, कितनी सुंदर अच्छी है मेरी मेहंदी, बहुत प्यारी लग रही है मुझे मेरी मेहंदी. अभी मैं नेल पेंट लगाऊंगी रेड कलर का, और मेरा सूट ग्रीन कलर का है, पैरेट ग्रीन कलर का, और उसके साथ ब्यूटीफुल सा ऑरेंज दुपट्टा है, वो भी मैंने मीशो से ही लिया है. तो शाम को जब मैं रेडी होंगी तो मैं पूरा एक मेकअप लुक शूट करने वाली हूँ, तीज मेकअप लुक, जो कि अलग ब्लॉग में जाएगा आप लोगों के लिए, बट लुक ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ पूरा, क्योंकि पूजा तो करनी है तो आप मुझे देखेंगे ही उस लुक में, बट मेकअप लुक अलग से जाएगा. तो उस मेकअप लुक में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सब मैं अपने बायो में डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, और वो आप अमेज़ॉन पर्पल या नायका से आराम से ले सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं. मैं थोड़ी सी फ्रीक आउट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा मेकअप फिक्सर ख़त्म हो गया है, और बिना मेकअप फिक्सर के इतनी गर्मी में मेकअप करके रहना इज़ नॉट ईजी, मेकअप मेल्ट करने लगता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी तरीके से मेकअप कर सकूँ, और जो बहुत थोड़ा बहुत जो फिक्सर मेरे पास बचा है उसी फिक्सर से काम चला दूँ, या फिक्सर मंगवा लूँ हस्बैंड से एक मेकअप फिक्सर नया. तो जो भी कर पाऊँगी करती हूँ, देखती हूँ क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, बट अभी के लिए चलिए.
ये है मेरा तीज लुक, ये है मेरी ब्यूटीफुल सी अनारकली कुर्ती और ऑरेंज कलर का दुपट्टा। दीज आर माई प्रिटी इयररिंग्स। और मेकअप लुक मैंने शेयर किया है अलग से ब्लॉग में आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। इस कुर्ती की भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये भी मीशो से ली गई है, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं गाइस इस प्रिटी सी सुंदर सी अनारकली कुर्ती में। आप चाहें तो मीशो से ले सकते हैं। तो अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पर पूजा करने के लिए। होपफुली वहाँ पर शूट कर पाऊँ, अगर शूट कर पाऊँगी तो ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। चलिए, मम्मी जी मुझे बुला रही हैं तो मैं चलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ पूजा करके, कथा सुन के, और अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है। अभी जस्ट मैं मम्मी और दीदी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तीनों लोग हम लोग ग्रुप चैटिंग कर रहे थे, चैटिंग नहीं टॉकिंग कर रहे थे। और मैंने आप लोग के लिए तीज का मेकअप लुक भी शूट कर लिया है, जो कि मेरे आई डोंट नो इस ब्लॉग से पहले जाएगा या इस ब्लॉग के बाद जाएगा, आई रियली डोंट नो, पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं तीज ब्लॉग अपलोड करूँगी एंड देन अभी का ये सिचुएशन है कि मैं चाय पी रही हूँ और जाओ ले लो वहाँ से। तो गाइस मैं तीज ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, सॉरी मैं मेरा माइंड अभी इधर बहुत डिस्टर्ब है बेबो को भी लेके, तो या चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी फलहार में, और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी और सिंघाड़े के आटे का पूड़ी रात में मैं खाऊँगी। और बस ये तीज ब्लॉग यहीं एंड होता है गाइस। तो होपफुली आपको ये तीज ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे एक थम्स अप दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि मैं कभी भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए रखती हूँ, बाय बाय।